Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar amri आज के लेक्चर में बच्चे हम जो चीजें कवर करेंगे उनमें हमने आज के लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करना है जीन एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल क्या है और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा आपको बताया जाएगा तो हम कोशिश करेंगे इसके अलावा फर्दर टॉपिक्स भी अगर कवर हो सके आज के लेक्चर में तो उनको भी कवर करते हैं जी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है ये जो वर्ड जीन एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जीन्स जो कि डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं यानी वो जब एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी एक्सप्रेशन किस तरह से होती है इस चीज़ को हमने देखना है तो असल में जब भी कोई जीन एक्सप्रेस करता है ना तो ड्यूरिंग इट्स एक्सप्रेशन सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आर ने यह आप देख रहे हैं ये मैसेंजर आर्यन ये दरअसल जीन की एक ट्रू कॉपी है जीन मिसाल के तौर तो पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीन है एक तो इस जीन में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद है That nucleotide sequence is actually copied in the form of messenger RNA. So this is first step and this is known as transcription. असल में word transcription का मतलब होता है copying. इसका मतलब क्या होता है copying? यानी किसी चीज को copy करना ये transcription कहलाता है. और transcript का मतलब क्या होता है? जैसे ये mRNA is actually ये transcript. Transcript का मतलब है copy. Transcript का मतलब क्या है? कॉपी हाँ जी तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कॉपिंग कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा और जो चीज़ कॉपी हुई है जो इंफॉर्मेशन कॉपी हुई है उस कॉपी को आप ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे ये ट्रांसक्रिप्ट आम लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट वर्ड हम आम लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं आपने देखा होगा कि जैसे ये जो मुख्तलफ आप बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से मार्कशीट्स लेते हैं ना अपने जो भी आपने कारकरी की होती है तो उसकी जो मार्कशीट आपको मिलती है या फिर इसके अलावा और जो चीज़ें मिलती हैं तो उन मार्कशीट्स को या फिर इसके अलावा जो भी आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह बोर्ड प्रोवाइड करता है या फिर स्कूल प्रोवाइड करता है तो इन मार्कशीट्स को या फिर उन सर्टिफिकेट्स को जो आप बोर्ड से हासिल करते हैं उन्हें आमतौर पर ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट वो क्यों क्योंकि बोर्ड के पास आपका जो रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है ये दरअसल उन रिकॉर्ड की कॉपी होती है तो उन इन चीज़ों को आमतौर पर ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है तो ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या हुआ कॉपी तो यहाँ पर भी इसी वजह से ये वर्ड यूज़ किया है ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि जीन की दरअसल एक कॉपी तैयार हुई है तो कॉपी बनाने का मकसद क्या था दरअसल मकसद ये है कि जीन के पास इंफॉर्मेशन है किसी पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज़ करने की और वो इंफॉर्मेशन जीन डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं यानी राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और जबकि जीन आर रिजाइड इन द न्यूक्लियस इस वजह से जीन अपनी कॉपी वहां पर राइबोसोम तक भेजेगा तो इस वजह से ये पहला स्टेप क्या कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन कॉपिंग और इसकी प्रोडक्ट एम आर एन ए क्या कह रहेगा ट्रांसक्रिप्ट यहां पर मैं आपको वाजे करता चलूँ कि जरूरी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस में मैसेंजर आर ने फॉर्म होता है बल्कि ट्रांसक्रिप्शन टर्म कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आर एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आर ए क्योंकि बकाया दोनों जो आर एन ए हैं, वो भी दरअसल डीएनए से ही ओरिजिनेट होते हैं और उनकी फॉर्मेशन भी दरअसल ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाती है तो ये मिसकंसेप्शन आप अपने माइंड से निकाल दीजिए बास बच्चे ये टॉपिक पढ़ने के बाद समझते हैं शायद फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर एन एस को ट्रांसक्रिप्शन और बाकी जो आर एन ए की फॉर्मेशन है उसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहा जाता तो आपने ये याद रखना है कि बाकी आर एन एस की फॉर्मेशन भी दरअसल ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाती है ओके अच्छा तो अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ये एम आर एन ए फॉर्म हो जाएगा तो एम आर एन ए फिर यहाँ से न्यूक्लियस से निकल कर में जाएगा एम आर एन ए राइबोजोम के साथ अटैच हो जाएगा और इस एम आर एन ए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है जो दरअसल जीन से कॉपी हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर्टिकुलर sequence of amino acid is arranged on the surface of ribosome with the help of two further RNAs isme transfer RNA bhi involve hoga aur ribosomal RNA bhi involve hoga to ye dono bakaya RNA ye messenger RNA ki information को decode करते हैं क्योंकि messenger RNA के पास जो information है वो coded language के form है तो ये बकाया RNA उस information को decode करेंगे और decode करने के बाद उसको convert कर देंगे into another language that is called protein यानी एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाएगी तो आप देखिए कि ये जो स्टेप है इस स्टेप को नाम दिया गया है दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन वाई दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसलेशन बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेप वन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इन टू अनादर दरअसल ये जो इस वक्त मैसेंजर आरने आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर जो एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तम एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ये समझ लें कि कोई एक लैंग्वेज है और उसके बाद फिर इसके तहत एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अरेंज करके खास पॉलीपेप्टाइड जनरेट की जा रही है तो इसको आप समझ लें कि ये एक दूसरी लैंग्वेज है तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन क्या कहलाती है ट्रांसलेशन देयर फोर दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन समझ आई बात भाई तो ये दो स्टेप यहां पर परफॉर्म होंगे और फिर जाकर ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन सिंथेसाइज होगी अब ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन क्या करेगी इस पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के आगे सेल के अंदर यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह से कि या तो ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बॉडी का कोई स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करेगी इट फॉर्म्स अ बॉडी स्ट्रक्चर डायरेक्टली ये कोई बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगी ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एज एंजाइम काम करते हुए किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करें और इट कैटेलाइजेज कैटेलाइज अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन उसको ये कैटेलाइज करें तो इस तरह जब वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज होगा तो उससे भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी ठीक है उससे ही भी कोई प्रोडक्ट जाहिर बनेगी और इसी तरह से अगर कोई बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है तो वो बॉडी स्ट्रक्चर इज आल्सो सपोज टू बी अ प्रोडक्ट उसको भी आप एक प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट होती है ना दरअसल ये फिनोटाइप कहलाती है दरअसल ये क्या कहलाती है फिनो टाइप यानी ये हमारी बॉडी का एक ट्रेट है दिस इज अ ट्रेट ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का एक खास फीचर है ये तो हमारी बॉडी के जितने भी ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स किसी ना किसी प्रोडक्ट के जरिए स्टैब्लिश होते हैं और वो प्रोडक्ट या तो डायरेक्टली किसी प्रोटीन से स्टैब्लिश होती है वो प्रोडक्ट या फिर वो किसी केमिकल रिएक्शन से अराइज होंगी वो प्रोडक्ट्स और उस केमिकल रिएक्शन के पीछे भी डेफिनेटली कोई प्रोटीन होगी और प्रोटीन को किसने बनाया होता है प्रोटीन को राइबोसोम ने बनाया होता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए ठीक है इन द फॉर्म ऑफ तो इस इंफॉर्मेशन के तहत राइबोसोम ने वो प्रोटीन बनाई होती है तो इसका मतलब है अल्टीमेट जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पर लोकेट करती है दैट इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड इन द डीएनए एंड द यूनिट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीन उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं जीन तो इस तरह आप कह सकते हो कि ये जो ट्रेट या फिनो है ना इसका जीन क्या है वो ये है आपने नोट किया कि ये जीन इस प्रोडक्ट यानी फिनोटाइप को डेवलप करने में कैसे रोल प्ले कर रहा है जीन इस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करने में इस फिनोटाइप को स्टैब्लिश करने में जो यहाँ पर मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन ठीक है व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन इसको आप यू डिफाइन कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन के फेनमिन को के डेवलपमेंट ऑफ फीनोटाइप बाय अ जीन इस कॉल जीन एक्सप्रेशन इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो जीन एक्सप्रेशन क्या चीज है द डेवलपमेंट ऑफ फीनोटाइप डिवेलपमेंट ऑफ अ फीनो टाइप बाय अ पर्टिकुलर जीन ठीक है किसी पर्टिकुलर जीन के जरिए जब कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप स्टेबलिश होगी ना तो इस इस्टेब्लिशमेंट को इस डेवलपमेंट को क्या कहेंगे जीन एक्सप्रेशन कहेंगे और इस जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म क्या है यह चीज तो जीन एक्सप्रेशन कहलाएगी दिस इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन ये जीन एक्सप्रेशन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है और जबकि इसका मैकेनिज्म क्या है हाउ डज दिस डेवलपमेंट अकर्स तो ये आपने इसका मैकेनिज्म इस तरह से बताना है कि हमेशा मैकेनिज्म दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है The mechanism of this expression consists of two step. In the first step, information is copied in the form of messenger RNA. First step, what will Transcription, in which the information of gene is copied in the form of messenger RNA. This is known as transcription. And after according to the information of the messenger RNA, a particular polypeptide is synthesized. That is known as translation. So, ये दो मेन स्टेप हैं जीन एक्सप्रेशन के जीन एक्सप्रेस कैसे करते हैं पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन होती है तो ये दो स्टेप इसके मैकेनिज्म के स्टेप हैं आपको बात समझ आ रही है जीन एक्सप्रेशन क्या चीज थी जीन एक्सप्रेशन डेवलपमेंट ऑफ अ फीनोटाइप बाय अ पर्टिकुलर जीन दिस इज जीन एक्सप्रेशन बट हाउ डज दिस फिनमिन टेक प्लेस तो आपने इस का मैकेनिज्म यह बताना है कि दिस मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकेंड स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी ऑफ द जीन इज सिंथिसाइज इन द फॉर्म ऑफ एम आर ए हम जनरली डिफाइन कर रहे हैं हालांकि मैंने आपको समझाया है कि ट्रांसक्रिप्शन टर्म कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आर ने एज वेल एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आर ने लेकिन जनरली डिफाइन करते हुए आप यूं कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन कॉपी ऑफ जीन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजर आर एज सिंथेसाइज एंड द सेकेंड स्टेप अपॉलीपेप्टाइड चेन इज सिंथे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम आर एन द राइबोजो ठीक है तो ये दो स्टेप इसमें इन्वॉल्व है अच्छा चूंकि जनरली स्पीकिंग हम यहां पर अगेन जनरल बात कर रहे हैं चूंकि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जब जीन एक्सप्रेस करते हैं ना हम जनरली बात कर रहे हैं अगेन जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं जब उनके जीन्स एक्सप्रेस करते हैं तो उनमें आमतौर पर यही मैकेनिज्म फॉलो होता है क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन अकर्स एंड देन ट्रांसलेशन अक्र्स ठीक है मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि हम जनरली बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सेप्शंस नजर आएंगी क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन भी डीएनए से होगी तो वो राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाला जो पोर्शन ऑफ डीएनए वो भी एक जीन है ठीक है लेकिन उसकी एक्सप्रेशन कैसे हो रही है जस्ट एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है उसमें ट्रांसलेशन कोई नहीं हो रही इसी तरह से ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन भी ट्रांसक्रिप्शन के जरिए होनी है और जो डीएनए का सेगमेंट ट्रांसफर आरएनए को बनाता है वो भी जाहिर है कोई जीन है तो उन जीन्स की एक्सप्रेशन में ये मैकेनिज़्म फॉलो नहीं हो रहा इसी तरह से कुछ वायरसेस जो आर एन ए जिनो कंटेन करते हैं उनके जीन्स के एक्सप्रेशन में भी ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा तो हम कोई यूं टिपिकल एग्जाम्पल नहीं ले रहे वी आर टॉकिंग जनरली तो जनरली अगर हम डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि इन ऑल लिविंग बींग्स द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक स्टेप्स फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन देयर फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल डॉगमा इसको सेंट्रल डॉगमा का नाम दिया गया है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का सेंट्रल डॉगमा क्या है असल में डॉगमा कहते हैं डॉगमा कहते हैं किसी ऐसे फैक्ट को जो आमतौर पर ट्रुथ माना जा रहा हो जरूरी नहीं है कि वो ट्रुथ हो हो सकता है कि वो कोई मिसकंसेप्शन है तो बट जनरली अनडिनाइबल फैक्ट को जनरली जनरली अनडिनाइबल फैक्ट अन डिनाइबल फैक्ट एक ऐसा फैक्ट जो कि आमतौर पर झुटलाया ना जा रहा हो ठीक है बेशक वो कोई मिसकंसेप्शन हो तो सच टिनाइबल फैक्ट इज कॉड डॉगमा तो यहां पर हम बायोलॉजी में ये वर्ड सेंटर डॉगमा किस चीज के लिए यूज करते हैं तो सेंटर डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स इज द मैकेनिज्मन जीन एक्सप्रेशन इट इज द मैकेजम ऑफ जीन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो इसको हमने ये क्यों कहा आपसे ये रीजन जब पूछा जाए ना कि वाई द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज कॉड सेंटर डॉगमा तो रीजन आपने ये कहना है बिकॉज इन ऑल ऑर्गेनिज्म आपने इसकी यूनिवर्सल अक्रिय बतानी है आपने कहना है कि बिकॉज इन ऑल ऑर्गेनिजम्स द जीन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन देयर फोर इट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ठीक है तो तमाम ऑर्गेनिजम्स में चूंकि ये यूनिफॉर्म है इस वजह से इसको सेंटर डॉगमा कंसिडर किया गया है। तो आपको ये बेसिक मैकेनिज्म और जीन एक्सप्रेशन के स्टेप्स पता चल गए और सेंटर डॉगमा का भी पता चल गया कोई कंफ्यूजन यहां पे? डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट एंड also प्रेस द बेल आइकॉन बिलो सो दैट यू कुड बी नोटिफाइड अबाउट एनी न्यू वीडियो लेक्चर फ्रॉम बायोलॉजी गार्डियन एंड ऑल्सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर My contacts are shown on the screen. Thank you once again.